पूर्वी दिल्ली के करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व बीजेपी के विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने करावल नगर विधानसभा में पानी की अघोषित कटौती तथा भयंकर जाम की स्थिति, कॉलोनियों में शराब की अवैध बिक्री और बेटियों के साथ बढ़ती छेड़छाड़, क्षेत्र में सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से न होने के चलते खजूरी पुश्ते पर विशाल धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में भारी संख्या में बीजेपी नेताओं के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस प्रदर्शन में किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद हैं। वहीं पूर्व विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने दिल्ली सरकार के मंत्री और करावल नगर विधानसभा के विधायक कपिल मिश्रा पर जमकर निशाना साधा। बच्चों उनके साथ रहे और इस राजनीति में जितनी उन्होंने समाज सेवा करी है, आप सबका इतना मान सम्मान बना के रखा हुआ है, इस मान सम्मान को इसी तरीके से बनाए रखें। और करावल नगर का जो विकास हुआ है वो मोहन सिंह बिष्ट जी ने जरूर करा, लेकिन उसके पीछे आपका सहयोग छुपा हुआ है। आप लोग तन मन धन से हर इलेक्शन में हमेशा उनके साथ रहते हैं और जितनी भी योजनाएं बनी है, गली नाली खड़ंजे सड़कें सीवर और जितनी भी कॉलोनियों में सुविधा हुई है, ये सब आपके कारण हुई है, क्योंकि आप सब दिन रात जो मोहन सिंह बिष्ट जी के साथ लगे हैं तभी ये इतना विकास संभव हो चुका है। और क्षेत्र में विकास न होने का कारण इसके लिए भी कपिल मिश्रा को जिम्मेदार ठहराया। वहीं उनका कहना था कि विधायक कपिल मिश्रा करावल नगर की जनता की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते जनता को काफी परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। दिल्ली के अंदर जिस प्रकार की पानी की क्राइसिस है, और क्राइसिस उस एरिया के अंदर है जहां दो दो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो, एक और भगृती ट्रीटमेंट प्लांट हो, दूसरे और सोनिया बिहार ट्रीटमेंट प्लांट हो। जब मैं यहां 16 साल यहां का विधायक रहा तो 16 साल विधायक के रहने के अंतर्गत यहां 24 घंटे में 3 बार पीने का पानी आता था। आज पीने के पानी के नाम से लोगों के गले में जिस प्रकार की वो सूख रहा है, गला सूखने को जा रहा है, ये उसके विरोध में है। यदि मैं विपक्ष में रह करके यदि मैं यहां पानी की योजना बना सकता हूं, यहां 24 घंटे में 3 घंटे पानी ले सकता हूँ, एक सत्ता पक्ष का जो मंत्री हो संतरी हो जलकट मंत्री रहा हो, तो करावल नगर की विधानसभा को पीने का पानी आखिर क्यों नहीं, यहाँ की अनदेखी क्यों की गई। जब मैंने यहाँ UGR के 7.5 MGD का UGR बनना था, UGR की प्लानिंग पास हो गई थी, 1 करोड़ रुपया मैंने MLA के हेड से यहाँ पेरीफेल लाइन का दिया हुआ था, लेकिन करावल नगर के अंदर उस मंत्री ने उस विधायक ने यहाँ वो काम होने नहीं दिया, उसके विरोध में आज ये धरना प्रदर्शन है। उनकी आंखों को खोलने का ये प्रमुख है, जो लोग उनको हीरा और कोहनूर कहते थे, जो धृतराष्ट्र की तरह उनकी आंखें बंद थी, उन आंखों को खोलने के लिए इस 45 डिग्री के अंदर यदि करावल नगर की जनता बैठी हो तो लगता है कि पानी की कितनी बड़ी अहमियत है। दूसरी बात, यहाँ पे बिजली, मैं जब यहाँ पहले विधायक बना 1998 में, यहाँ बिजली नाम की कोई चीज़ नहीं थी, 24 घंटे में 2 घंटे बिजली आती थी, आज 20 से 22 घंटे बिजली आती है, लेकिन बिजली के नाम से भी हमारे परिवार के लोगों को करंट लगाया जा रहा है। आज यहाँ किलोवाट के हिसाब से हमसे पैसा वसूल किया जाता है, ये कहाँ व्यवहारिक है। जब आप हमसे कनेक्शन के 6000 रुपया उसकी स्कॉटी लेते हो, 600 रुपया लाइन चार्ज का लेते हो, फिर हमसे पैसा क्यों वसूलते हो। इसलिए ये धरना रखा गया है। इस धरने का मेन उद्देश्य है कि हम चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं, हम एयर कंडीशन के नेता नहीं हैं, हम बड़बोले नहीं हैं, हम जनता की आवाज़ को दबंगता से जन आंदोलन से होकर के वो यथास्थिति उस जगह तक हम यथोस्थिति तक ले जाने का प्रयास करेंगे, ये विश्वास दिलाना चाहते हैं। तीसरी बात, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, आज इस एरिया के अंदर जहाँ पीने का पानी नहीं हो, यहाँ 25-25 जगह सासियों ने शराब की दुकानें खोली हैं, शराब की मंडियां खोली हैं, यहाँ अफीम चरस गांजा ऐसा यहाँ मिलता है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता, बच्चों के भविष्य को खराब किया जा रहा है और इसको शराब की नगरी बनाई जा रही है। नेता लोग एयर कंडीशन और एयर कंडीशन की कार में बैठने में मस्त है। केजरीवाल सरकार आई है तब से पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, भीषण गर्मी पड़ रही है, लोगों को पानी मुहैया नहीं है,
तो हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट ने ये बीड़ा उठाया है कि जब तक इलाके की स्थिति ठीक नहीं होगी हम धरने प्रदर्शन करते रहेंगे और सरकार के खिलाफ जगह जगह धरना देंगे। इस धरने की पहली कड़ी आज है 9 तारीख को, इसके आगे की व्यवस्था भी की जाएगी, लेकिन सरकार के खिलाफ हम चुप नहीं होंगे और धरना प्रदर्शन लगातार जारी रखेंगे। मेन रोड के ट्रैफिक की समस्या बहुत ज़्यादा है क्योंकि जगह जगह रेहड़ी लग जाती हैं, इस सरकार ने रेहड़ी पर प्रतिबंध नहीं लगाया है और हमेशा रास्ता जाम रहता है। जमुना पार को बूचड़खाना बना के रख दिया है, 3 साल में स्थिति बहुत खराब हुई है और ये लोग यहाँ। इसी के चलते इस धरने प्रदर्शन का आयोजन किया गया और दिल्ली की गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए इस धरने प्रदर्शन का आयोजन भी किया गया ताकि करावल नगर विधानसभा की जनता को बिजली, पानी, सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से मिल सके। सिटी न्यूज दिल्ली के लिए रविंद्र कुमार की रिपोर्ट।